हेलो दोस्तों, आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है इंडिया की सबसे फेवरेट गाड़ियों में से एक, ऑल्टो K10। जी हाँ, अभी हाल ही में ये लॉन्च हुई है अपग्रेड होकर। ऑल्टो K10 सबसे ज़्यादा सेलिंग कारों में से एक और मिडिल क्लास की सबसे चहेती गाड़ी है ये। आज हम इसका रिव्यू करने जा रहे हैं, बताएंगे इसमें क्या क्या खास विशेषता हैं और सब चीज़ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले इसके साइड प्रोफाइल से। तो दोस्तों, इसमें आपको 3530 की इसकी लेंथ देखने को मिल जाती है, वहीं आपको 1520 की इसकी हाइट देखने को मिल जाती है और 1490 इसका विड्थ है, जो कि इस गाड़ी को सिलेरियो जैसा लगभग बना देता है। और इसकी इंजन की बात करी जाए तो सेम इसमें वही पुराना इंजन दिया गया है इस बार भी मारुति का। 1000cc के सीरीज़ का इंजन इसमें मारुति आपको प्रोवाइड करती है, जो कि पुराना ही इंजन है। अगर बात इसके पावर की जाए तो 49 पावर ये जनरेट करती है, जो कि 5500 rpm में मिलता है। वहीं 89 का टॉर्क निकालती है 3500 rpm के साथ। अब आप सामने ये जो देख रहे हैं डबल वाइपर, मारुति ने फिर दोबारा से इसमें दिलदारी दिखाई है। इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में डबल वाइपर नहीं आता है और सब सिंगल वाइपर ही देते हैं, लेकिन मारुति पहले भी इसमें डबल वाइपर था और इस बार भी डबल वाइपर है। अब मैं इसका आपको केबिन दिखाता हूँ, अंदर से केबिन कैसे है ये देखिए। अब अंदर चलते हैं एक बार हम। इसके आगे के दोनों दरवाजे जो हैं, दोनों पावर विंडो हैं और पीछे के मैनुअली ही हैं। अभी आप देखेंगे इसके एक चीज़ और जो मारुति ने इस बार अलग की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। के सीरीज़ की इस गाड़ी में, ऑल्टो K10 में, आपको इस तरह का कुछ इंटीरियर देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये इसका ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको मीटर दिखाता हूँ इसका। इसमें आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है, जो कि पहले नहीं था, पहले एनालॉग मीटर था। इस बार मारुति ने इसे में डिजिटल मीटर दे दिया है। सारे म्यूजिक के क्रूज कंट्रोल जो है आपको स्टेयरिंग पे मिल जाते हैं, इस बार ये भी चीज़ नहीं है। और वहीं आपको एक एयरबैग ये मिल जाता है ड्राइवर का, और एक को पैसेंजर का एयरबैग मिल जाता है। गाड़ी में दो आपको एयरबैग मिल जाते हैं, एक ये स्टोरेज मिल जाती है, एक बोतल होल्डर मिल जाता है और एक ये स्टोरेज आपको मिल जाती है। गाड़ी में एक चीज़ और है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी के दोनों, जैसे मैं पहले बता चुका था, दोनों दरवाजे जो हैं पावर हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पावर का बटन नहीं दे रखा, कोई पावर विंडो का बटन नहीं है। इस बार मारुति ने पावर विंडो का बटन कहाँ है, वो यहाँ है। यहीं आपको दोनों बटन दे रखे हैं और नीचे मैनुअली AC के बटन दे रखे हैं। यहीं आपको 7 इंची का ये LED म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जो कि पहले नहीं था। इस बार मारुति ने इसको भी चेंज किया है, यानी कि कुछ बदलाव ऐसे किए हैं जो बाकी दिलचस्प हैं इस गाड़ी के लिए। एक बार मैं आपको इसका मीटर चालू करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है इसका डिजिटल मीटर, जो कि इस बार आपको मिला है। वहीं ये आपको ऑन हुआ म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर गाड़ी में आपको एक IRVM देखने को मिल जाता है, जो कि डे और नाइट दोनों में काम करता है। साथ ही में एक ये लाइट दी गई है, उसी के साथ में एक आपको ट्यूनर देखने को मिल जाता है। अगर गाड़ी की स्पेस की बात करी जाए तो गाड़ी में इस बार इन्हेंस करके स्पेस दिया गया है, जो कि काफ़ी कम्फर्टेबली बंदे को महसूस होगा, आगे भी और पीछे भी। गाड़ी की अगर कुल मिला के बात करी जाए तो गाड़ी में आपको 13 इंच के कंपनी टायर प्रोवाइड करती है। ये मैं आपको एक बार टायर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बेस वेरिएंट है, इसलिए आपको सिंपल टायर मिलेंगे। इसमें 145/80 R13, यानी कि 13 इंच के टायर कंपनी प्रोवाइड करती है। साथ ही हनीकॉम के साथ आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाती है, आगे की ये हनीकॉम भी ग्रिल मिल जाती है, जो कि इसके रेडिएटर को ठंडा रखने के लिए काफ़ी मददगार साबित होती है। गाड़ी में, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, के सीरीज का इंजन है, जो कि 1000cc का है। गाड़ी के अगर टर्निंग रेडियस की बात करी जाए तो 4.2 का इसमें टर्निंग रेडियस मिल जाता है। 217 लीटर का इसमें आपको बूट मिल जाता है। 27 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। वहीं अगर गाड़ी के एवरेज की बात करी जाए तो गाड़ी आपको 24 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज निकाल के देती है, जो कि इस सेगमेंट की सभी गाड़ियों में बेहतर है। अब अगर बात इसकी की जाए प्राइसिंग की, तो 3,92,000 करीब करीब इसका ऑन रोड LXi वेरिएंट पड़ जाता है, और अगर इसके टॉप मॉडल की बात करी जाए ZXi की, तो वो करीब करीब 5.5 लाख के आसपास आपको, 5,74,000 या 75,000 के आसपास आपको ऑन रोड पड़ जाता है। अब बात करते हैं हम इसकी गाड़ी भाई है कैसी। भाई गाड़ी एकदम ज़बरदस्त गाड़ी है,
गाड़ी इस बार बहुत बढ़िया करके मारुति ने दी है, इसीलिए ये सबकी चहेती गाड़ियों में से रही है हमेशा। और इस बार तो और इसको अपग्रेड करके मारुति ने इसका जो एक लगता था कि हाँ जी छोटी बच्ची सी गाड़ी है वो भी इशू हटा दिया है, बाकी गाड़ी बहुत बढ़िया है, इसीलिए ये सबकी फेवरेट गाड़ी है। मैं ये कहना चाहूँगा जो भी इस सेगमेंट की गाड़ी देख रहे हैं, जैसे कि क्विड देख रहे हैं, डैटसन रेडिगो देख रहे हैं, तो मेरा कहना ये है कि आप एक बार इसको ज़रूर देखें। मेरा मानना ये है आप बिल्कुल डेफिनेटली उन गाड़ियों को कैंसिल करके इस गाड़ी की तरफ चले जाओगे। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में, अगर वीडियो में कुछ ख़राबी हो या कुछ गलती हो तो उसे माफ़ करना, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।